एक प्लस 20 बात करना। आई प्लस टीवी संडे से करूँगा मैं जी। सर एक रहनुमाई चाहिए थी। हाँ बोलिए ना। सर मैं पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि ये सेंटर मतलब हेल्पलाइन के लिए ही है ना? हाँ हाँ बोलिए, हेल्पलाइन के लिए। जी जी, तो आई प्लस टीवी ये मुंबई में है? हाँ मुंबई में है जी सर। तो रहनुमाई ये चाहिए थी कि जैसे अभी लोग जो है जैसे मसाजिद वगैरह के चंदा लेने के लिए जो आते हैं, हाँ, जो चंदा आजकल ऑनलाइन भी चल रहा है जी, कि भाई फला जगह मस्जिद कायम हो रही है, फला जगह मस्जिद तामीर हो रही है, चंदा दो चंदा दो, इस तरीके से जो आजकल ऑनलाइन भी होता है और ऐसे भी लोग रसीद लेकर के आते हैं। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अब जमीन तो मस्जिद की ले ली गई है, अब उसमें एक्चुअली में मस्जिद पहले से तामीर भी होती है छोटी बड़ी, अब उसको दोबारा से शहीद करके जो है बड़ी मस्जिद बनाने के लिए चंदा उठाते हैं लोग जी। ठीक सर, वो एक मंजिला से दो मंजिला बनाने के लिए प्लस उसमें जैसा आजकल चल रहा है समझते ही आप, बड़ी मस्जिद कर रहे हैं ठीक है ठीक है। तो अब हम ये कहना चाह रहे हैं, हम ये रहनुमाई चाह रहे हैं कि अगर मैं मिसाल के तौर पे किसी बंदे को मस्जिद के लिए, यानी उसने कहा कि मस्जिद का काम चल रहा है, मैंने उसको 1000 रुपया दिया ठीक है, अब उसने उस 1000 रुपया की ईंट खरीद के या सीमेंट खरीद के या सरिया मतलब वो लोहा वगैरह खरीद के कोई भी चीज खरीद के उसने वहां पे लगाया मस्जिद के तामीरी काम में, तो क्या मुझे सवाब मिलेगा? जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा सर? यहाँ पे सवाब सवाब मिलेगा, मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि किसी भी हदीस में या किसी भी मतलब तफसीर में ये हमने नहीं सुना किसी आलिम की जबान से कि कोई किसी सहाबी ने मस्जिद के काम में जो ये सब चीज दिया हो। क्या सब चीज? मतलब ईंट पत्थर वगैरह? हाँ क्यों ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जी, मन बना लिल्लाह मस्जिदन बना अल्लाह लहू बैतन फिल जन्ना जी, कि जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। अब मस्जिद बनाने से मुराद क्या है यहाँ पर, कि वो सीमेंट पत्थर वगैरह? पत्थर वो जमाने में सीमेंट पत्थर की नहीं हुआ करती थी, वो जमाने में खजूर की पत्तों की वगैरह की हुआ करती थी, इससे वो लोग उसी से बनाते थे। तो अगर हम ये कहें कि भाई जमाने में हुआ ना, क्यों नहीं हुआ? मस्जिद बनाना तो सुन्नत है ना मेरे भाई। मस्जिद मस्जिद अब मस्जिद तो ईटा पत्थर को नहीं कहते ना, आज बात ये क्यों नहीं कहते? तो फिर वैसे तो आप तो मस्जिद हराम को भी नहीं बोलेंगे फिर? मस्जिद मस्जिद जो है, मस्जिद हराम अभी क्या हो रहा है सर? क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ। देखिए सर, देखिए बिल्कुल गलत सोच है आपकी कि सहाबा इकराम के जमाने में ईंट पत्थर की मस्जिद नहीं थी तो हम भी ना बनाए ईंट पत्थर की मस्जिद। ये तो मैं नहीं समझता, ये कोई अक्लमंद भी है? नहीं नहीं सर, अजीब बात है, मैंने पहली मरतबा सुना इस तरह का। सवाब का काम मैं पूछा हूँ, सवाब बिल्कुल सवाब का काम है कि जो काम जो सुन्नत से साबित होगा, जो सहाबा के तरीके से साबित होगा, जो सहाबा के अमल से या नबी के कौल से या नबी के अमल से साबित होगा, उस काम के करने में सवाब मिलेगा। बाकी अगर कोई मैं क्या पूछ रहा हूँ, पहले सुन लीजिए मेरी बात, अल्लाह के सुनिए ना, मैंने समझ गया, मैं आपकी बात सुन लीजिए, मैं आपकी पूरी बात समझ चुका। एक मिनट, मैं क्या आपसे मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ सर? मुझसे मैं पूछूंगा आपसे सवाल। अरे तो आपने तो वही किया ना, आपने ऐतराज़ किया, मैंने आपको जवाब दिया, तो आपने उस पर से सवाल करने के लिए फोन किया हो ना सर? मैं आपसे रहनुमाई करने के लिए फोन, तो आपको जवाब मिल गया ना, उससे सवाल कर रहे हैं तो आपको जवाब मिल गया ना? मैं तो इसमें जब आपने सवाल करने के लिए फोन किया था तो आपको जवाब मिल गया, जवाब फिर उसमें आप अलग से और सवाल कर रहे हो। जवाब आप दे रहे हैं जिसमें मुझको इत्मीनान नहीं हो रहा, तो आप इत्मीनान बख्श जवाब देने के लिए नहीं बैठे वहाँ पे क्या सर? बिल्कुल जवाब देने के लिए बैठे हैं, तो फिर इसलिए तो हम कह रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए सही। हाँ बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी जैसे आज के दौर में हम लोग, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, सारे लोग सुनते हैं सब चीज को ठीक है, तो आजकल क्या है उलमा की तकारीर तहरीर सारी चीजें आजकल जो है सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, सारे लोग सुनते हैं, तो उससे इंसान अपने ज़हन में बहुत सी चीजें सोचता है। आजकल क्या हो रहा है, कहते हैं लोग कि भाई जो काम नबी ने नहीं किया, जो काम सहाबी ने नहीं किया,
جی. یا جس چیز کو کرنے کا حکم نہیں دیا، جو نبی صحابہ اکرام نے نہیں کیا یا نہیں کیا وہ عمل نہیں ہے، اس طریقے سے نہیں کیا، اگر بعد میں تم اس طریقے سے کوئی کام کرو گے اور اس کو ثواب سمجھ کے کرو گے تو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ بدعت ہے. ایسا تو بولتے ہیں نا سر. اچھا آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ میں نے بتایا سر میرا نام شبیر ہے. شبیر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں ممبئی سے بول رہا ہوں. اچھا ممبئی. ممبئی میں کہاں سے؟ گورے گاؤں سے. اچھا اچھا ہاں تو فرمائیے اور کیا بول رہے تھے آپ؟ سنا میں نے آپ کا سوال، اور کچھ بولنا ہے آپ؟ نہیں نہیں اب آپ اب اس چیز میں آپ مجھے تھوڑا مطلب اطمینان بخش کوئی بات بتائیے کہ بھائی اس میں دو چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے جی. ایک ہوتا ہے کسی کام کا کرنا جو عبادت ہوتی ہے. اچھا ایک ہوتی ہے کوئی کام جو معاملات میں داخل ہوتی ہے. اچھا ایک ہوتا ہے وسائل کا اختیار کرنا اس چیز تک پہنچنے کے لیے. ہاں سمجھنا ہے. اب جہاں تک کہ معاملات کی بات ہے تو معاملات میں صریح یہ ہے کہ ہر چیز حلال ہے الا یہ کہ اس کے حرام کی کوئی دلیل نازل ہوئی ہو. معاملات مطلب جیسے ہم کھانا پینا. معاملات جیسے ہاں کھانا پینا اور رہنا سہنا، کپڑے پہننا، چپل پہننا، اس طرح کی چیزوں میں. جی تو یہ ٹھیک ہے یہ معاملات ہے. جی جی تو اس میں بھی تو ٹھیک ہے. اس میں ہر چیز جائز ہے الا یہ کہ اس کی حرمت کی کوئی دلیل ہو. ٹھیک ہے. اور عبادت میں ہر چیز حرام ہے الا یہ کہ اس کی حلالت کی کوئی دلیل ہو، یعنی حلت کی کوئی دلیل ہو. یعنی نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم کتنے سجدے کرتے ہیں؟ نماز میں آپ جتنی رکعت کی نماز پڑھیں گے اس کے حساب سے سجدہ جوڑنا پڑے گا. نہیں ایک رکعت میں کتنے سجدے کرتے ہیں؟ دو سجدے. دو سجدے. اگر میں آپ کو بولوں کہ بھائی تین سجدے کرو تو آپ کیا بولو گے کہ بھائی دلیل لاؤ کہاں پر ہے تین سجدے کرنا؟ سمجھ نہیں بات. جی صحیح بات ہے. ہاں تو عبادات میں ہر چیز حرام ہے الا لیکن یہ نماز پر دلیل ہو عبادت ہے سر. ارے میری بات سمجھ میں نہیں آیا شاید آپ کو سمجھے نہیں آپ میری بات. جی میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، عبادات جو ہوتے ہیں نا عبادات، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، ذکر و اذکار کرنا، قربانی کرنا، یہ ساری چیزیں عبادتیں ہیں. ہاں عبادات کی بہت قسمیں ہیں نا سر. ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ عبادات میں ہر چیز حرام ہے الا یہ کہ جس کی اللہ کے نبی نے اجازت دی ہو. اچھا جب تک کہ اس کی دلیل نہیں آئیں گی ہم اس کو عبادت نہیں مانیں گے. ہاں سمجھنا. اور معاملات میں ہر چیز حلال ہے الا یہ کہ اس کی حرمت کی کوئی دلیل ہو. جی سمجھنا. تو کسی چیز کو وسائل بنانا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنانے سے منع نہیں کیا ہے تو اس کو ہم کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ ابھی میں آپ کو ایک سوال کروں، اب میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی اللہ سنیے میری بات سنیے پہلے، ابھی نہیں ہوا، ابھی نہیں ہوا، اپنے جواب کے لیے کال کیا ہے نا. جی پہلے جواب سنیے پورا. ہاں اب آپ بسم اللہ کہہ کر کے سیدھا پیر ڈال کر کے چپل پہننا ٹھیک ہے، یہ اللہ کی نبی کی سنت ہے. اگر کوئی بندہ اس پر عمل کرتا ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. اب آپ کہیں گے کہ بھائی نہیں چپل وہ ہونی چاہیے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود تھی، اگر ہم اس چپل میں پیر ڈال کر کے بسم اللہ کہہ کر کے پہنیں گے تو اس پر ثواب نہیں ملے گا. اگر آپ ابھی یہ کہیں گے تو یہ بیوقوفی ہوگی کیونکہ وہاں پر مطلق چپل کا لفظ استعمال ہوا، اس میں وہاں پر یہ نہیں ہوا کہ بھائی آپ جو ہے یہی چپل پہنو گے، اس زمانے ہی کی چپل پہنو گے تو آپ کو ثواب ملے گا. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ جو ہے کھجوروں کے چوہاروں کے جو ہے کھجوروں کے پتوں کی جو ہے مسجد بناؤ گے تو ہی آپ کو ثواب ملے گا. ہاں زمین مٹی کی ہوگی تو ہی آپ کو ثواب ملے گا. نہیں ایسا تو کہیں اللہ کے نبی نے نہیں کہا. ایک بات. دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی جو بنائی گئی تھی، بعد میں صحابہ اکرام کے زمانے میں اس کی توسیع ہوئی، اس کو پھیلایا گیا. اب آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی وہ مسجد نہیں ہوئی کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اتنی مسجد موجود تھی تو اتنی ہی بنانا ہے ہم کو، تو اس کی بھی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات، نہیں میرے پاس دلیل ہے کہ نہیں وہ ابھی آپ مت ڈسکس کیجئے نا. نہیں تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. ہاں سمجھ رہا ہوں. بولیے. ہاں تو میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی وہ چیز جس کو اللہ کے نبی نے وسائل بنایا ہے اور ایسے وسائل سے منع نہیں کیا ہے استعمال کرنے کے، آج جو معاملات میں سے ہے تو بالکل اس کو کرنا جائز ہے.
कहीं थोड़ी अल्लाह के नबी ने कहा है कि भाई इसी कपड़े इसी तरह के कपड़े पहनना है या जो है। हाँ बोलिए, आपके जवाब का खुलासा तो पूरा आ ही गया। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ सर कि ये जो मस्जिद में ईटा पत्थर जो भी चीजें लगाते हैं एसी कालीन वगैरह जो भी चीज ठीक है, ये वसाइल में से है या इबादत में से, पहले ये बताइए। वसाइल में से, ये तो बनाने के वसाइल है ना ये। हाँ एक मिनट, तो वसाइल में से है ना सर? बिल्कुल वसाइल में से है, तो वसाइल इबादत के दर्जे में आएगा? कैसे इबादत के दर्जे में आएगा? तो इबादत के दर्जे में नहीं आएगा तो सवाब कैसे मिलेगा? अरे क्यों नहीं मिलेगा मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे ना भाई, वहाँ पर मस्जिद है ना, इबादत तो करेंगे ना वहाँ पर। सवाब किस में मिलता है सर? अरे मेरे भाई आज अजीब सवाल कर, अल्लाह के नबी सदका जारिया किसको कहते हैं? सदका जारिया उसको कहते हैं जिसमें कंटिन्यू सवाब मिले। सवाब मिले, अब आपने कहीं पर एक मकान बना दिया, अब वहाँ पर मुसाफिर आकर ठहरते हैं और चले जाते हैं, तो क्या आपको सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, इसलिए तो हम वहाँ पर आराम करते हैं। क्यों मुसाफिर खाना बनाया उसने सवाब का काम किया? क्यों मिलेगा, क्यों मिलेगा? मुसाफिर खाना वो बनाना इबादत है, ईंट पत्थर लगाना इबादत है, सवाब का काम है सर। वो काम जो करेंगे ना वहाँ पर लोग, वो सवाब का काम है। नहीं सर, मुसाफिर खाना बनाना ही सवाब का काम है। अरे यार आपने बना दिया, वहाँ पर जो लोग आकर के रहेंगे, मुसाफिर रहेंगे, जो मुसाफिर बनेंगे, वो सवाब का काम है। वो ईंट पत्थर जो आपने लगाया है वो इबादत नहीं है? अजीब बात आप कर रहे हो। वो इबादत सवाब का काम है, हम ये बोल रहे हैं उसमें सवाब मिलता है। अगर एक भी ईट कोई छोटा सा भी मुसाफिर खाना बनाएगा तो उसने सवाब का काम किया। अब जितने लोग उसमें आके जब तक बैठेंगे तब तक उसको कंटिन्यू सवाब मिलता रहेगा। अच्छा ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं उसमें सवाब मिलता रहेगा तो आप उसको ईट पत्थर का बनाएंगे तो सवाब मिलेगा जी? ईट पत्थर का अगर आप बना देंगे मुसाफिर खाना तो उस पर आपको सवाब मिलेगा? कोई कई किसी चीज का भी बना दीजिए सवाब मिलेगा। हाँ तो फिर अल्लाह के नबी के जमाने में तो नहीं था ना ईट पत्थर का? यही तो सर, मैं आप नहीं सोच रहे हैं, मैं क्यों सवाल कर रहा हूँ ये? आप सुन रहे, अभी आप देखिए, मैं आपको देखो मेरे भाई, मेरी भाई आप एक मोटी मोटी बात समझिए, आप मोटी सी बात समझिए। एक मिनट सर, अभी जैसे मैंने वो आपने सुना होगा वो क्या बोलते हैं मुतव्वा जो है वो अपना क्या बोलते हैं मदीना शरीफ में जो एक होता है ना वो क्या नाम है उसका, मैं भूल जाता हूँ, उनकी वीडियो वायरल होती है कभी कभी। हाँ मुजफ्फर इस्लाम बिहारी सर, अभी वो उनकी वीडियो मैंने जस्ट क्या बोलते कि आज सुबह सुनी है, इसलिए मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है। उन्होंने क्या कहा कि भाई ये क्या बोलते हैं कि अब मतलब मिलाद की वो दलील जो दी है लोगों ने, मिलाद मनाने वालों ने, उसपे एक दलील है अबुल हब की, ठीक है एक दलील, तो उसमें ये क्या कह रहा है वो बंदा कि देखो इन लोगों को समझ ही नहीं है, अबू लहब ने सऊदीया को आजाद किया, तो भाई तुम सऊदीया को आजाद करो ना, तुम दूसरा काम क्यों करते हो? अभी अब देखिए वो क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जो काम किया है वही काम करो, जबकि यहाँ से अगर यहाँ से देखा जाए तो भाई नेकी का काम अगर कोई अगर इस्तेदलाल करना ही था उनको तो ये कर सकते थे भाई, उसने नेकी का काम किया तुम भी नेकी का काम करो, कोई भी नेकी का काम हो, लेकिन वो क्या कह रहा है तुम दूसरा काम करते हो, उसने दूसरा काम किया। अच्छा तो ये सब सुन सुन करके जो है दिमाग में ये आता है कि भाई बंदा क्या बोल रहा है और हमको क्या समझ में आ रहा है, तो हम इसलिए ये सब सवाल कर रहे हैं कि भाई जो काम हूबहू हैयत के साथ जिस तरीके से सेम टू सेम किया है नबी ने या सहाबा ने, वही सेम टू सेम करेंगे तब सवाब मिलेगा कि उसका अलग भी करेंगे तो सवाब मिलेगा? नहीं नहीं मिलेगा ना। आसिफ भाई एक मिनट रुकिए, नहीं नहीं छोड़ो, जाना तो नहीं चाहिए यार, अभी जब देखेगा दो। हाँ जी सर, और दूसरी बात ये है कि वो शायद एक हदीस भी होगी, शायद आप लोग जानते भी होंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी है कि भाई एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग अपनी जो मतलब मस्जिदों को ऐसा ऐसा बनाएंगे, और शायद अबू दाऊद शरीफ की हदीस है शायद या किसी की, पता नहीं मुझको तो याद नहीं उतना, कि भाई लोग जो है मस्जिदों को आलीशान बना देंगे, तो इस तरीके से मना भी आया है मस्जिदों को आलीशान बनाने। नहीं वल्लाह वालम, वो तो मुझे लाइट वगैरह के ताल्लुक से पता है, इस तरह की चीजों से मना किया अल्लाह के नबी ने जी। लेकिन देखिए जहाँ तक वो मुजफ्फर साहब को, मैं नहीं जानता वो क्या है क्या नहीं है, ठीक है उन्होंने अपने तौर पर कोई बात कही होगी
अल्लाह उनको सही रहनुमाई करे, सही हिदायत दे, ठीक है। अच्छा, लेकिन देखिए मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ, उनकी बात आई सर तो एक बात और पूछ लेता हूँ। उन्होंने एक बात ये भी कही कि क्या बोला उन्होंने, हाँ ये अबू वही अबू लहब की बात में कहा कि देखो ये इसने एक मरतबा मिलाद की खुशी मनाई तो जहन्नम में चला गया। अब मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदा जो मैसेज देना चाहता है क्या ये सही है, क्या अबू लहब मिलाद मनाने की खुशी की वजह से जहन्नम में गया है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि वो काफिर होने की वजह से जहन्नम में गया है, वो गुस्ताख होने की वजह से जहन्नम में, अपने कुफर की वजह से वो जहन्नम में गया जी। जबकि इस हदीस को अगर देखा भी जाए, एक मिनट के लिए मान भी ले जाए कि उसको अगर मतलब जैसे बुखारी शरीफ की हदीस से आता है कि भाई उसको मतलब हर पीर के दिन जो पानी पीने को नोश मिलता है जो भी है बुखारी शरीफ में जो है, तो अब वो कहने का मतलब ये कि उसकी वजह से तो खुशी मनाने से उसको थोड़ी मिनट के लिए फायदा हुआ, लेकिन ये बंदा उल्टा ही बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि एक बार उसने मिलाद मनाया खुशी में तो उसको जहन्नम में जाना पड़ा। तुम बार बार मनाते तो तुमको कितनी बार जहन्नम में जाना पड़ेगा बताओ? ठीक है, देखिए जो भी है वो तो इसलिए ये सब, इसलिए सर हम लोग एक आम इंसान है, हम लोग जब इस सारी बातों को सुनते हैं तो ऐसा कंफ्यूजन होता है कि भाई क्या वाकई में हमको वही काम करने में सवाब मिलेगा जो नबी ने किया है, या वही काम करने में हमको सवाब मिलेगा जो सहाबी ने किया है। बाकी अगर ऐसा मामला रहेगा तो आज के दौर में जितना भी नेकी का काम है, आज वैसे जैसे कोई बंदा किताब लिखता है, अब कल को कोई बोलेगा हट किताब लिखने में सवाब नहीं है, हम बोलेगा क्यों भाई? बोलेगा इसलिए सवाब नहीं है कि नबी ने नहीं लिखा किताब, साहबी ने नहीं लिखा किताब, तुमको कैसे सवाब मिलेगा? जो काम नबी ने नहीं किया, जो काम साहबी ने नहीं किया, वो काम तुम क्यों कर रहे हो? फिर अब ये सवाल आप देखिए मेरे ध्यान में आते जा रहा है कि भाई आज लोग क्या बोलते हैं कि भाई क्या तुमको ज्यादा फिक्र है नेकी कमाने की, तुमको दीन की ज्यादा फिक्र है? ज्यादा फिक्र तो नबी को थी, ज्यादा फिक्र तो साहबी को थी। अगर ये काम नेकी का होता तो सबसे पहले इस नेकी का काम साहबी करते या नबी करते। तो अब अगर कोई बोल दे इसी तरीके पे, इसी टोन में हमको कहे कि भाई सवाब लिखना नहीं है किताब, किताब लिखना, क्योंकि अगर ये काम सवाब का होता तो सबसे पहले नबी लिखते या सहाबी लिखते? नहीं देखिए, देखिए कैसा है ना, मीलाद मनाने वालों की जो दलील है ना वो ये कहते हैं कि भाई हम अल्लाह के नबी की मोहब्बत में मनाते हैं, है ना? नहीं नहीं सर, मैं मीलाद इसको गुफ्तगू नहीं कर रहा, मतलब उससे जो नतीजा निकाला जा रहा है सर, उससे जो नतीजा वो आदमी बराबर किया जा रहा है, हम लोगों को बताया जा रहा है, उससे कंफ्यूजन हो रही है। हाँ भाई तुमको रद्द करना है तो सही तरीके से करो ना भाई, अगर रद्द करना भी है तो तरीका है उसका एक रद्द करने का, दलील की रोशनी में रद्द करो। अगर उसने कोई दलील दिया है तो उसको समझाओ। अब वो कहना भाई कि ये हदीस से ये साबित तुमने किया, क्या नबी को समझ में नहीं आया था, क्या सहाबी को समझ में नहीं आया था? अब अगर अब ये बात चली मस्जिद की, अब आप जैसे हदीस तिलावत किए, अभी आपने कहा ना कि भाई मम बना मस्जिद लिल्लाही, मम बना लिल्लाही मस्जिदन बना, अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई, उस अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। तो अब अगर कोई बोले कि अगर ये बात होती, इससे अगर ये मस्जिद बनाना साबित होती तो क्या नबी को नहीं पता था, क्या सहाबी को नहीं पता था, तो वो लोग नहीं बनाते? कि अगर ये सवाब का काम होता तो तुमसे आलिशान मस्जिद बनाते, वो उस्मान गनी तुमसे ज्यादा बड़े मालदार थे, अब्दुल रहमान बिन औफ तुमसे ज्यादा बड़े मालदार थे, वो तो इतने मालदार थे कि पूरे लोगों को खाना खिला सकते थे, बड़ी बड़ी मस्जिद बना सकते थे। उस जमाने में यही हुआ करता था ना, बताने का मकसद ये है कि उस जमाने में यही हुआ करता था, उस जमाने में हम वही होते हैं सर, उसी तरह से होते हैं। तो लोग सर वही बोल रहे हैं कि जो काम मतलब फराइज में से, जो फराइज इबादत में से, जो इबादत फर्ज है, तो वो फर्ज में तो कोई कमी बेशी करता ही नहीं है, समझ रहे हैं? अभी कहने का मतलब ये है कि जो मुस्तहबात में से है या जो कुछ हदीस से इससे मतलब मुस्तंबित करके लोग निकालते हैं, अब उसमें भी वो हूबहू का कैद लगाना, सेम टू सेम की कैद लगाना, ये तो उसमें भी ये देखेंगे ना मेरे भाई के बात, सामने वाले की बात क्या है, क्योंकि देखिये ये जो मोहब्बत है ना अल्लाह के नबी से मोहब्बत करना जी, ये भी यकीन दीन और शरीयत में से है। बिल्कुल, नबी से मोहब्बत करना तो दीन है सर जी, जी नबी से मोहब्बत नहीं तो दीन है सर जी, जी क्योंकि जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं है, नमाज नमाज नहीं है उसकी जी, रोजा रोजा नहीं है उसका, ज़कात ज़कात नहीं है, हज हज नहीं है, कोई इबादत उस वक्त तक कबूल नहीं है जब तक क्या उसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं। सही बात है, नबी की मोहब्बत ही तो दीन है, क्योंकि नबी की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत। तो वही मैं बता रहा हूँ, तो नबी की मोहब्बत होनी चाहिए तो वो भी जो है सुन्नत के मुताबिक और सहाबाए कराम के तरीके पर होनी चाहिए। बिल्कुल सर, हम वही तो बोल रहे हैं कि सहाबाए कराम के तरीके पर और सुन्नत के तरीके पर होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे ये कैटेगरी लगाना कि नहीं, जैसे नबी ने, नबी जिस तरीके से, जिस अंदाज में, जिस
हैयत के साथ जिस मतलब सिचुएशन में नबी से उन लोगों ने मोहब्बत किया वैसे करो। तो भाई हमको, हमने तो कभी नबी को सिद्दीक अकबर को देखा नहीं, फारूक आजम को देखा नहीं, उस्मान गनी को देखा नहीं, मौला अली को देखा नहीं, जितने भी सहाबाए कराम है बिलाल हबशी यद्दू गिर मैं तो उतना नाम भी नहीं जानता, इनको तो हमने देखा नहीं। अब हदीस में हमने पढ़ा कि भाई वजू का पानी वो लोग लेकर के पी लिया करते थे नबी के मिस्बत। नहीं तो देखिए कैसा है ना, मैं आपको यही समझा था, अब आपको कोई बोलेगा कि भाई कि तुम जो है कि मतलब वही सच करो, तो हम बोलेंगे हम कैसे करेगा भाई। चलिए ठीक है, मैं समझ गया जी सर, तो आपको भी आपका जवाब मिल गया होगा। जज़ाकअल्लाह सर आपकी कॉल करने का। थैंक यू सर।